वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान की खूबसूरत टैलेंटेड ख्वातीन के स्किल्स। और आप देखिए कि मरी एक ऐसा इलाका है जिसको कि दूर अफ्तादा माना जाता था, एक अरसे में आप तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी लड़कियों के लिए उस तरह से मौजूद नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद कितनी स्किल्ड हैं बच्चियाँ। और हम उनका स्किल आपके साथ शेयर कर रहे हैं, टैफ्टा मरी के अंदर ये पढ़ने वाली बच्चियाँ जिन्होंने सब कुछ बनाया हुआ। और इनकी टीचर नफीसा हमें बता रही हैं कि एक साल के अंदर, इन्होंने खुद भी बताया, एक साल के अंदर इन्होंने घोड़े भी बना लिए, फूल भी बना लिए, पहाड़ भी बना लिए, हट्स भी बना लिए, ज्वेलरी भी बना ली। तो ये एक साल की प्रोग्रेस है इनकी। सो ग्रेट, थैंक यू आप सब लोगों के लिए, तालियां हैं बहुत सारी। लेकिन ये मुझे बताओ जो मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों में से कौन कौन जो है जिसने आर्ट वर्क किया हुआ है? क्या आप लोग अभी सीख रहे हो? आपने भी किया हुआ है और आप और बाकी सब लोग अभी सीख रहे हैं। जो नए आते हैं बच्चे, तो उनको अभी कुछ आता होता है या वो किस बेस पे आप लोग आते हैं, एडमिशन लेते हैं? हमें ना मतलब स्टार्ट में होता है, कुछ बच्चियाँ सीखने के लिए आती हैं, कुछ को पहले से इंटरेस्ट होता है तो वो आती हैं, फिर और ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं, समथिंग लाइक डैट। और बस कौन से अच्छा इनको दें, ये हमें बताएंगे और कोर्सेज के बारे में। और कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? ये ड्रेस मेकिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, कंप्यूटर है, आईटी है। अच्छा जी, और सही ब्यूटिशन है। अच्छा, आप सब बच्चों ने एक जैसा हिजाब जो है वो सब ने कवर किया हुआ है? ये कोई यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है जी, ये सब लोग जो है वो सर इसी तरह से कवर करते हैं उसमें। और कोई एज लिमिट है इसकी कि कोई खास एज में आ सकते हैं? नहीं नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है। मैं भी आ सकती हूँ ना? जी बिल्कुल, मतलब उसमें कोई मसला नहीं है, कोई कोई एज लिमिट नहीं? अच्छा, दैट्स ग्रेट के नफीसा जी, मतलब किसी भी उम्र की बच्ची हो तो वो आ सकती है टैफ्टा में, और वो कोई भी स्किल सीखना चाहे तो वो सीख सकती है? आपका कोई कोर्स है, कोई करिकुलम है? हमारे लिए मैट्रिक कंपलसरी है। मैट्रिक में जो है, अगर मैट्रिक क्लियर है तो फिर वो एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैट्रिक नहीं है तो हम मैट्रिक वोकेशन भी करवाते हैं 2 ईयर का, जिसमें फर्स्ट ईयर में इनको बेसिक सिलाई और 10th मीन्स के जो पार्ट 2 है उसमें हम इन्हें कंप्यूटर की स्किल्स जो हैं देते हैं। दैट्स ग्रेट, अच्छा ज़बरदस्त। सो ये ज्वेलरी जो है, मैं ये भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, ये ज्वेलरी किस किसने बनाई है? जुली को बनाने वाला कौन कौन? आप और तुबा। तुबा आप भी आ जाइए। तो तुबा, मुझे लगता है तुबा के नेल्स से, मुझे लगता है कि तुबा को इस चीज़ से दिलचस्पी होगी। जी जी बहुत, है ना बहुत। सो इसमें ये क्या क्या कुछ बनाया आप लोगों ने? ये क्ले वर्क है एक्चुअली। जी जी, ये तुबा इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाए, ताकि हम अपने आपकी जो ज्वेलरी है ये भी अच्छी तरह से दिखा सकें। एक्चुअली हर फ्राइडे को हमारी एक्टिविटी डे होता है, जिसमें हमें ड्राइंग स्केचिंग के अलावा डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसमें रिसाइकलिंग भी होती है। और ये भी क्ले वर्क है जो हमें क्लास में कराया गया है। और ये तो ये क्ले वर्क से जी जी, ये हमने ना क्ले को यूटिलाइज कर बनाया, ये वाला जो आपको सेट नजर आ रहा है ये मिट्टी से बनाया हुआ है। जी जी, क्ले और पर्ल्स को मिक्स करके हम डिजाइनिंग किया हमने, फिर हमने कलर्स भी खुद किए हैं, डिजाइन भी सारा। और इसमें भी कोई इंस्पिरेशन है या फिर आप लोगों ने ये खुद ही बनाया है? ऐसे पकड़ के रखना, ये देखिए इन्होंने एक रिंग बनाई हुई है, क्रोशे की, एक क्रोशे की रिंग है। और आप ये देखिए कि ये कितनी अच्छी लग रही है ना। सो क्रोशे की रिंग जो है आप पहनकर स्टाइल मार सकते हैं। इसलिए इन्होंने इयररिंग्स भी बनाए हुए हैं, सो यू कैन जस्ट ज्यूल योरसेल्फ कि आपने ये इयररिंग्स भी पहन लिए। सो आप देखें एकदम से कितना अच्छा सा उसका कॉम्बिनेशन है, सो ब्यूटीफुल, बड़ा जबरदस्त कमाल काम करती हैं आप। तो वही तो मैं कह रही थी कि अपना अपना जेहेज सारी लड़कियां खुद ही बना लेंगी, इजी होगा, सिलाई भी खुद ही कर लेंगी, ज्वेलरी भी खुद ही बना लेंगी, ससुराल के सारे गिफ्ट्स भी खुद ही बना लेंगी, सब कुछ चीजें जो है वो हो जाएंगी। कितना अच्छा ये कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों ने किए हैं। अब ये वाला जो है ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इजिप्शियन कोई इंस्पिरेशन है ना, पीकॉक की थीम है, और वैसे भी उसका जो एक पूरा कलर कॉम्बिनेशन। तो ये बच्चे खुद चूज करते हैं कि हमने ये वाला प्रोजेक्ट करना और ये वाला करना, या ये सबके लिए जरूरी है कि सब ये सब कुछ करें? मैं इनसे स्केचिंग करवाती हूँ कि आप कम्बिनेशन को सेट करें, कौन सा कम्बिनेशन अच्छा है, फिर सारों के वोटिंग हो जाती है कि कौन सा कम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बड़ा डेमोक्रेटिक क्लासरूम है आपका। हम कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन सिखाते हैं जी, ज्यादातर कोऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं। जैसे मैं आपको कह रही थी ना, वही ना, हम मैं हमसे कह रही जी जी हमसे, क्योंकि हर बच्ची ताकि हर जो भी हम काम करें एक्सेस मिले उसको, वो भी सीखे। कोई बच्चियाँ होती है ना थोड़ी शाय होती हैं, खुद से प्रेजेंट नहीं कर सकती अपना काम, तो फिर मैम उनको कहती हैं कि आप लोग भी इनके साथ पार्टिसिपेट करें। आप शाय नहीं हो, आप शाय हो, थैंक यू, आप भी शाय नहीं हो। यहाँ पे बैठे भी कौन सा बच्चा है जो शाय है? मेरे वाले ये शाय है जो दूसरे नंबर पर बैठे, आप शाय हो ना?
हाँ ये शायद जी, तो जी, इसीलिए हम मिल के काम करते हैं कि सब बैलेंस हो जाए। हाँ, अच्छा तो जो एक का प्रोजेक्ट होता है उसमें सब लोग राय दे रहे होते हैं और आप लोग मिलके फिर डिसाइड करते हैं। ऐसा ही उठा के बताते हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि आप मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें तब आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। जब कोई कमेंट आपको देता है कि कोई मिस्टेक है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, उसकी करेक्शन करें, तो इस तरह काम अच्छा होता जाता है स्टूडेंट्स का। यार आप तो स्टूडेंट्स को सिर्फ आर्टवर्क नहीं सिखा रहे, उन्हें तो जिंदगी सिखा रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। तो ये तो आप लोग बदल जाते होंगे ये टैप्टा में आने के बाद। टोटली क्या चेंजेस आपने फील किए, क्या क्या फर्क पड़ा है? Actually, I have been in TAFTA for the 2 years, और उसमें मेरे में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। बेसिकली मुझे पसंद ये आर्ट वर्क था, थोड़ा पेंटिंग कैनवस के ऊपर ऐसा, लेकिन मैंने ये सारी क्रोशे ज्वेलरी, इसके अलावा भी हमारे इंडिविजुअली भी हमारा जो करिकुलम में होता है ना, डिफरेंट वर्क होता है, वो सारा भी हम करते हैं। ये हमारे मेन प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, ये हम मिल के तो पर क्या आया आप में? बहुत ज्यादा न्यू स्किल्स सीखी हैं, हमें लगता था कि हमें तो आया उससे भी ज्यादा। तो लाइफ ही चेंज हो गई बिल्कुल, मतलब मैं सोर्स ऑफ अर्निंग ही मेरी अब यही है, मैं खुद पढ़ती हूँ तो जो कुछ खुद कितना कमा लेती हूँ मैं, मतलब अच्छा खासा कमा लेती हूँ। अच्छा खासा कमा लेती, अब्बा को देती है? नहीं मैं स्टडी नहीं, मैं आपको नहीं दूंगी मेरे पैसे। बाबा खुद बहुत ज्यादा खुश होते हैं, मतलब देख के। तो जो पैसे होते हैं उनको संभालती हूँ अपने लिए। हाँ, खुद सेव करती हूँ अपनी स्टडी के लिए। मैंने आगे हाँ BSN करना है, तो आपने BS करना है? BSN मीन नर्सिंग। अच्छा BS नर्सिंग करनी है, तो उसके बाद फिर आपने नर्सिंग करनी है, तो ये सारा काम किधर जाएगा? तो ये मैं साथ लेके जाऊंगी ना। वो आपको कहेंगे पेशेंट्स को देखो छोड़ो क्रोशिया, ये इंटरेस्टिंग किस्म की नर्स होंगी। पता चले पेशेंट वहाँ बैठे हुए और ये बैठी भी क्रोशिया कर रही है कि नहीं जी हमें तो पहले जो है ना वो क्रोशिया हमारी करती है, हमारी मैम ऐसे ही करती है, ऑल द टाइम कर रही होती है साथ साथ कुछ नई चीज अपने साथ दिखाती हूँ। देखिये मैंने इसके स्टेप को कैसे किया है आप देख लें, जिस चीज को इंटरेस्ट होता है, क्योंकि कंपल्सरी नहीं है ये सबके लिए, कई स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है कहीं नहीं है, तो फिर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो इस तरह इसके टाइम वेस्ट नहीं होता, साथ साथ काम कर रही हूँ बिल्कुल कॉलेज के लिए स्टूडेंट्स के लिए। तो आप फिर अपने घर में जाके भी यही करती रहती है? बच्चे तो आपके बड़े तंग होते होंगे। मेरा एक अभी बेबी है अभी छोटा है जी जी, लेकिन कॉलेज के काम को मैं कॉलेज में छोड़ के जाती हूँ। अच्छा घर में नहीं, घर में नहीं। अच्छा ये जो इस तरह के काम है, अब ये जो दो शर्मीले खामोश लोग करेंगे हमें बताएंगे, ये बहुत बोल रही है तूबा, तूबा चुप रहना तू। ओके अच्छा आपने बताना है कि क्या फर्क पड़ा है, ये जो आप लोगों ने सीखा है ये काम, तो इससे क्या फर्क पड़ा है? मैंने इसमें सिलाई भी सीखी, हमारे फ्राइडे होता है ना, ठीक है, तो इसमें सिलाई भी मैंने सीखी है। क्रोशिया मैंने, मुझे अच्छा लगता था और मैंने मैम से सीखा है, मैं फर्स्ट टाइम मैम से सीखा है, मुझे ये पता नहीं था क्रोशिया से क्या बनता है क्या नहीं, ये मैंने ऊन से क्रोशिया पकड़ना वगैरह सब कुछ मैम से सीखा। फिर उसके बाद मैंने फ्लावर्स बनाई है अपने गल के लिए भी बनाए थे, फिर मैंने ज्वेलरी बनाई, झुमके बनाए, बैग बनाया, फिर अब मेरी सिस्टर लोग बहुत अट्रैक्ट होती हैं मुझसे, वो मुझे कहती है मुझे बना के दो, शेयर करो ये सब कुछ। जैसे मैं आपको मेरा... बता रही हूँ ना, मेरी नीसेस ने इससे वो टेडी बियर्स बनाए जी जी, और वो इतने खूबसूरत और क्यूट लगते हैं, वो एक दूसरे को जब गिफ्ट देना हो तो हम उन्हें कहते हैं यार टेडी बियर बना के देती है, छोटी छोटी सी हैं वो भी। चूंकि बाहर के जो स्कूल है वहाँ ये इनकरेज किया जाता है कि बच्चे इस तरह की चीजें जो है वो सीखें, तो आपने भी ये फिर ये सब कुछ ही करते रहना या आपने भी हेड गर्ल की तरह फिर नर्स बन जाना? मुझे ड्राइंग का शुरू से शौक था, लेकिन मुझे टेक्निक्स नहीं पता थी बेसिक ना, क्या टेक्निक है, किस तरह हम ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, चीज़ें कैसे हम बना सकते हैं। वो मैं आई तो मुझे मैम ने सिखाई सारी टेक्निक्स कैसे करते हैं, स्केचिंग क्या है, ड्राइंग क्या है, कौन कौन से मीडियम हैं पेंटिंग के। ठीक है, और मैं वैसे अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ही करती हूँ, अदरवाइज मतलब मेरा भी उस तरफ ध्यान नहीं गया कि मैं इसको सेल आउट करूँ या कुछ करूँ ना। क्यों भाई, इस तरह से तो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये मुहावरा आप जैसे आर्टिस्टों के लिए ही है कि पेंटिंग लोगों के लिए बनानी होती है, प्यार करने के लिए नहीं बनानी होती है ना। मैं भी पर्दा अगर मैं ज्यादा बनाऊंगी या मेरा प्रैक्टिस हो जाएगी या मुझे लगेगा जैसे अब मैं बना सकती हूँ कंटिन्यूसली, तो मैं जरूर बनाऊंगी। तो उस वक्त तक आप कहती हो कि अम्मा अब्बा जो हैं वो आप मेरी जरा खर्चे वर्चे अफोर्ड करें? नहीं, मैं मैरिड हूँ और मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए ड्राइंग्स वगैरह बनाती हूँ क्लास में। अब मुझे जैसे उनके कोई क्लास प्रोजेक्ट था तो मैं पहले बिल्कुल नहीं कर सकती थी। दैट्स इंस्पिरेशन भाई कि आपके बच्चे अपने माशाल्लाह भी हैं, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी है, क्या सोची कि मैं आके टैप्टा से सारा कुछ सीखूं? एक्चुअली ऐसा था कि जब मुझे उनका वो प्रोजेक्ट बनाना होता तो मुझे बड़ी मुश्किल होती थी क्योंकि मैं ड्राइंग बिल्कुल नहीं कर सकती थी, तो उसके लिए फिर मैंने ये
डिसाइड किया कि मैं कोई इस तरह सीखूँ. मरी में वैसे तो कोई इतने इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन बायला की ये इंस्टीट्यूट था तो मुझे इसका पता चला. कैसे पता चला? मैं आई, मेरी कज़न ने एडमिशन लिया था, उसने मुझे बताया कि वहाँ कमर्शियल आर्ट्स कराते हैं, आप वहाँ पर जाओ, वो ज़रूर आपको गाइड करेंगे. जी सही. फिर मैं आई और मैंने देखा, क्लास विजिट की, तभी मुझे बहुत अच्छा लगा. मैम का काम देखा तभी मैं इंस्पायर हुई कि बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं और मुझे करना चाहिए. ठीक है. ये सारे लोग एक ही मैम के फ़ैन हैं कि सबकी डिफरेंट डिफरेंट मैम्स हैं जो के फेवरेट हैं? क्या और मैम्स भी हैं? डिफरेंट कोर्सेज हैं. बिल्कुल सही. और बतूल, आपने क्या करना है, आपका क्या इरादा है? इसे नहीं आगे कंटिन्यू करना है, टीचिंग करनी है. आपने मैडम की जगह आ जाना है. इनकी जगह तो मैं नहीं ले सकती कभी. क्यों नहीं ले सकती? नहीं ले सकती आप. हाँ, मैडम ने रिटायर भी तो होना है ना, वो टाइम तो आना ही आना है. तो फिर आप मतलब मेरी जगह पे भी आ सकती हो. इनकी जगह एवरीबडी इज रिप्लेसेबल ना, हर एक की जगह पे इवेंचुअली किसी ना किसी ने आना है, है ना? तो वो तो कोई भी जगह हो सकती है. और इसको मैंने कंटिन्यू करना है ना, पेंटिंग को. और अपना मैं सोच रही हूँ ना कि अपना आर्ट काउंसिल में अपनी पेंटिंग डिस्प्ले वगैरह सब. अच्छा जी, तो आपने आर्ट काउंसिल में लेके जानी है अपनी पेंटिंग. और कितने बच्चे हैं यहाँ पे जिनका ये एम्बिशन है कि हमने पेंटिंग एग्जीबिशन एंड दी पेंटर और क्रिटिक्स में आपका भी करना है और पेंटिंग्स भी लेके जाना है? तो फिर ये भी करना है, वो भी करना है, नर्सिंग भी करना है. मैं बता रही हूँ, मैं छोड़ नहीं सकती क्योंकि मैं साथ लेके नर्सिंग ना करना. यू आर गुड एट. अच्छा, कह रही, अच्छा मैं उसे कह रही नर्सिंग ना करनी. अच्छा चलो ठीक है, नर्सिंग भी करना. गुड लक टू यू कि इतने सारे स्किल्स, इतने सारे पैशंस आपके अंदर हैं और आपको करना चाहती हो. थैंक यू वेरी मच. बहुत सारी तालियां आपके कोलीग्स के लिए होंगी. थैंक यू वेरी मच, यू वंडरफुल गर्ल्स. और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलना और देखना. मुझे यकीन है कि जो स्क्रीन के थ्रू हमें बच्चियाँ देख रही होंगी या खवातीन देख रही होंगी, उनके लिए भी बहुत सारी इंस्पिरेशन होगी जैसे मेरे लिए. सो यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको कुछ और बहुत ही टैलेंटेड खवातीन से मिलवाने वाले हैं. स्टे विद अस. खुशियाँ